फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय किचन। ये मेरी किचन है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्लैब्स हैं और मेरी किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो जब मैंने इसका इंटीरियर करवाया था तो मैंने इसको पैरेलल में कर दिया है, इसलिए दो स्लैब्स हैं तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट का गैप है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने काउंटर टॉप को बहुत क्लियर रखती हूँ एंड किस तरीके से मैनेज रखती हूँ। ज़्यादातर मुझे पसंद नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो काउंटर टॉप पर ऊपर रहें, चाहती हूँ कि हमेशा अंदर की तरफ रहें, जिससे कि काउंटर टॉप जो है वो ज़्यादा क्लीन लगता है और हैसल फ्री लगता है और ओवर क्राउडेड भी नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना काउंटर टॉप किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो अभी मैं आपको अपनी किचन के अंदर ले जा रही हूँ, तो एंट्री पर ही आप ये देख सकते हैं कि फ्रिज है और फ्रिज के बाद में ये आप दोनों पैरेलल में मेरे काउंटर टॉप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये राइट साइड का काउंटर टॉप है, तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा काउंटर टॉप है। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हम लोग बेसिकली ठंडा पानी नहीं पीते, थ्रू आउट द ईयर हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं। तो मैंने इस काउंटर टॉप के बिल्कुल राइट साइड में एज पर बॉटल्स लगा रखी हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रिज है एंड फ्रिज से बिल्कुल साइड में मैंने वाटर बॉटल्स भर के रखी हुई हैं। जैसे जैसे नीड होती है बॉटल्स यूज़ होती हैं एंड फिर उसके बाद में रीफिल हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरा पूरा काउंटर टॉप है ऑलमोस्ट बिल्कुल खाली है एंड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें रखना है यहाँ पर काउंटर टॉप पर। जो बहुत ही बेसिक एंड जो रेगुलर चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि कैस्ट्रॉल यूज़ होता है, तो मैं उसको इस तरीके से रखती हूँ एंड खाली रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है क्योंकि कभी हम इसको इधर की तरफ रख देते हैं, कभी इधर की तरफ रख देते हैं, बट ये है कि हमेशा रेगुलरली वॉश होना चाहिए, डेली वॉश होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इधर ऐसे रखा हुआ है। और जो बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं, जैसे कि अर्ली इन द मॉर्निंग या आफ्टर वर्कआउट, जैसे मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरी ग्रीन टी रखी हुई है, प्रोटीन पाउडर रखा हुआ है, अलसी के बीज रखे हुए हैं। इन चीज़ों को मैंने अरेंज करने के लिए क्या किया है, जिससे कि मेरा काउंटर टॉप गंदा भी ना हो, मैंने एक ये प्लास्टिक शीट ली है, प्लास्टिक शीट को इस तरीके से बिछा दिया एंड सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अरेंज करके रख दी हैं। बी इट ब्लैक सॉल्ट, बी इट ब्लैक पेपर जो हम यूजुअली रैंडमली कभी भी यूज़ करते हैं, मैं अपने खाने में यूजुअली ब्लैक सॉल्ट प्रेफर करती हूँ देन वाइट सॉल्ट। एंड ये आप देख सकते हैं कि ये कूटने वाला खलहड़ है, जब भी हम चाय वगैरह बनाते हैं या कुछ भी अदरक कूटनी है या फिर इलायची कूटनी है, कुछ भी कूटना है, तो ये छोटा सा कलर मैं इस प्लास्टिक शीट के ऊपर रखती हूँ। और बाकी अब आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि तेल जो यूजुअली यूज़ होता है वो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम उसको इस तरीके से नीचे रख देंगे, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा काउंटर टॉप है वो गंदा हो जाता है एंड जब काउंटर टॉप पर आप देख सकते हैं कई कई बार निशान पड़ जाते हैं, तो निशानों को अवॉइड करने के लिए मैंने एक स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है या स्पंज है ये, आप स्पंज भी रख सकते हैं, पतला स्कॉच ब्राइट रख सकते हैं, कॉटन या प्लास्टिक की शीट भी बिछा सकते हैं, जिससे कि ये तेल एब्जॉर्ब हो जाए, जो भी गिरे इस स्कॉच ब्राइट के ऊपर गिरे एंड हमारा काउंटर टॉप गंदा नहीं है। एंड यहाँ पर जैसे मैं रोटी वगैरह बनानी होती है तो परोथन चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, वो मैं कलेक्टिवली इसमें रख देती हूँ। ये स्टील का बॉक्स है, इसमें मैंने इसको रख दिया। जब हम ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं तो हमें उसको टोस्ट करने के लिए टोस्टर चाहिए होता है, तो ये मैंने यहाँ पर प्लग इन किया हुआ है मैंने टोस्टर। एंड गर्म चीज़ों को रखने के लिए, जैसे दूध वगैरह होता है तो उसको रखने के लिए ये बेस है, और काउंटर टॉप हमारा गंदा नहीं हो तो उसको उन चीज़ों को रखने के लिए ये उसका बेस रखा हुआ है। एंड यहाँ पर मैंने एक स्कॉच ब्राइट और रखा हुआ है, जिससे कि जब पूरा काम मेरा ख़त्म हो जाए या कभी जैसे होता है कि जल्दी जल्दी में हमसे चाय स्पिल हो गई या कुछ भी स्पिल हो गया या गंदा हो गया, तो हाथों हाथ हम साथ में अपने काउंटर टॉप को क्लियर करते चले जाएँ, जिससे कि गंदगी ना हो। तो बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने किचन टूर में आपको दिखाया था कि मैं सारी चीज़ें कैबिनेट्स में रखती हूँ, तो जो यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे को गैस पे खाना बनाना है और मुझे चकला बेलन या कुछ भी चीज़ चाहिए या मसाले वगैरह भी चाहिए, तो ये मेरे लिए सबसे ईजी है कि नीचे की मैं कैबिनेट इस तरीके से खोलूँगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चम्मचे हैं एंड कलछियाँ वगैरह सब हैं, और ये रहा मेरा मसालदानी भी है, तो यहाँ से मैं मसाले यूज़ करके डायरेक्टली एंड फिर उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली ऐसे बंद कर सकती हूँ। और बाकी जो स्टोरेज के लिए है वो आप ये देख सकते हैं,
कि इस तरीके से पैनल है, जो 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 चीज़ें चाहिए वो मैं इस तरीके से यहाँ से निकाल लेती हूँ एंड यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बाकी बचे हुए स्टोरेज किए हुए मसाले रखे हुए हैं, यहाँ पर और बाकी चीज़ें हैं, दालें हैं, ये दालें रखी हुई हैं, बाकी और मसाले रखे हुए हैं, तो इस तरीके से चीज़ें मैनेज की हुई हैं। तो ये था मेरा एक काउंटर टॉप एंड अब चलिए दूसरे काउंटर टॉप की तरफ चलते हैं। ये मेरा दूसरा काउंटर टॉप है, ये भी आप देख सकते हैं। जो ये बेसिकली काउंटर टॉप तब यूज़ होता है जब मुझे चॉपिंग वगैरह करनी होती है, तब मैं इस काउंटर टॉप पे ज़्यादातर काम करती हूँ। और चॉपिंग बोर्ड होता है, यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड रख के सारी चीज़ें चॉप कर लेती हूँ, फिर इसके बाद में मैं कुकिंग के लिए राइट साइड वाला काउंटर टॉप यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं वो की हुई हैं, रखी हुई हैं। या डेली बेसिस पे हम पोरेज खाते हैं, ओट्स खाते हैं, तो ये ओट्स का जो डब्बा है वो मैंने रखा हुआ है। फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है इवनिंग टाइम में जूस वगैरह के लिए, तो मैंने जूसर रखा हुआ है एंड कॉफ़ी मशीन है ये। और मैं फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी तो इसमें फ्रूट्स रखे हुए थे, तो जब ये खाली हुआ बॉक्स तो फिर मैंने इसको गार्लिक रखने के लिए, लहसुन रखने के लिए यूज़ कर लिया है, जिससे कि मैं अच्छी तरीके से लहसुन रख सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने लहसुन रखी हुई है इसमें काफ़ी सारी स्टोर करके, तो जिससे कि गंदगी भी नहीं हो, गंदगी को अवॉइड करने के लिए एंड चीज़ प्रेजेंटेबल भी लगे, अच्छी भी लगे, इसलिए मैंने ये बॉक्स यूज़ कर लिया है। एंड लास्टली यहाँ पर केटल रखी हुई है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग गर्म पानी मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो नींबू पानी चाहिए होता है, तो यहीं पर सामने केटल हम यूज़ कर लेते हैं। ये जितने भी क्रॉकरी एंड बर्तन हैं, कप्स हैं, ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं इन कैबिनेट्स में। ये आप देख सकते हैं कबर्ड्स में मैंने क्रॉकरीज रखी हुई हैं, कप्स रखे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत वेल मैनेज रखती हैं और हैसल फ्री रखती हैं। तो आपकी किचन भी अच्छी लगती है और ज़्यादा खुली खुली भी लगती है। अगर उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ओवर क्राउडेड लगेगा, अनमैनेज लगेगी। एंड यहाँ पर मैंने प्लेट्स वगैरह रखी हैं इस ड्रॉर के नीचे, जिससे कि इस कैबिनेट में मैंने प्लेट्स वगैरह रखी हैं, जिससे कि ईजिली उठाएं एंड वहीं की वहीं प्लेट्स धोकर भी इन्हीं जगह पर रखी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा किचन का ओवरऑल व्यू एंड ये था मेरा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन मेथड, के मैं किस तरीके से अपने काउंटर टॉप को, किचन के काउंटर टॉप को अच्छी तरीके से क्लीन रखती हूँ एंड किस तरीके से मैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।